हाल ही में दिल्ली में अंकित सक्सेना का ब्रूटल मर्डर हुआ। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनकी फैमिली ने उनकी हत्या कर दी। मैं भी और अजरा हम लोगों का भी और अंकित जैसा ही प्यार था। मेरे ऑफिस में कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि देखो तुम बच गए, अंकित नहीं बच पाया। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी डेवलप होती है कि कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। अजरा से मैं 2010 में मिला था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। अजरा से मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स बनवाता था अपने, क्योंकि मुझे लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सुमित की जो थिंकिंग थी वो बाकियों से बहुत मुझे सही लगी। अजरा को मैंने पहली बार जब प्रपोज किया था तो हम लोग आई थिंक ट्रेड फेयर देखने गए थे, और मैंने अजरा को मेट्रो में प्रपोज किया था। मतलब उस टाइम पे मैंने बोला था आई लाइक यू ऐसे करके। कभी नहीं खाया, आज तो इतिहास बनेगा। जब मैंने उनको बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और वो भी एक मुस्लिम लड़की से, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, वो लोग तो कट्टर होते हैं, वो लोग तो मांस मच्छी खाते हैं, वो लोग तो ऐसे होते हैं। मैंने मम्मी से ही करी, पापा से बात नहीं करी थी। तो मम्मी ने उसी दिन बोला कि नहीं बेटा ऐसी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, और जो तुम सोच रही हो बहुत ही गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली अपना समाज और ये सब देखना है। मैंने बात भी कराई सुमित की, तो सुमित ने बताया कि मम्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि मिलने तक के लिए, बल्कि इतना कि वो बात मेरे पापा तक भी नहीं जाने दी कि पापा को पता हो कि हाँ घर में ऐसा कुछ हो रहा है। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी फैमिली को मनाएंगे। नहीं मानी तो फाइनली हमने शादी तो कर ही रखी है, और हम उस चीज़ के लिए तैयार थे कि एक की फैमिली जो है वो अलग होनी ही है। अब शादी का जब फैसला लिया तो बहुत ही चुनौती थी कि शादी कैसे होगी। एक टेंशन, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था कि घर वालों को पता चल जाएगा तो कुछ कर देंगे, ओनर किलिंग हो जाएगी, बहुत सारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी उस समय पे। मुझे याद है जब मैं और अजरा, हमारी डेट थी कि 22 जून को हम लोगों को शादी करनी है, तो एक दिन पहले ही मैं अजरा को सूट दिला के लाया कि तुम कम से कम थोड़ा सा रिचुअल तो हो ही जाए, पहन लो अच्छे कपड़े तो पहन लो कम से कम। खुद अपने लिए ड्रेस खरीदी, कोई था नहीं कि ऐसे कोई मदद करे हम लोगों की उस समय पे। करे तो हमने सब अपने यार दोस्तों को बुलाया, जो जो अच्छे थे वो आ गए, जो नाराज़ थे वो आज तक नहीं आते हैं। हमारे बीच में जो रिलेशन है वो रिलीजन को लेके बिल्कुल भी नहीं है, एक पर्सन को लेके है। तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि वो मम्मी पापा ने ऐसा कहा। कूल नहीं हुआ मैं मुस्लिम। अब अजरा घर में नमाज पढ़ती है बैठ के, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मैं कोई शोर शराबा नहीं करता हूँ, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिलीजन को इतना ही रखना चाहिए आपको अपने जीवन में, उससे ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। और धर्म की वजह से ऑलरेडी देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। अब शादी के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको हमेशा अपनी शादी को एक खुशी वाली शादी दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि आप खुश हैं, आप अच्छे से रहते हैं, मतभेद है तो हम ये नहीं कि मम्मी को बताएंगे या किसी और को बताएंगे, हमें खुद ही डील करना है, क्योंकि हम स्पेस नहीं दे सकते किसी को भी कि कोई आके बीच में इंटरफेयर करे। और गुस्सा होता है तो एक दूसरे को डांट लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की चुगली भी करनी होती है तो आपस में ही कर लेते। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितनी परेशान करती है मुझे। तो हमारी दोस्ती जो है दैट इज़ यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप। 1.5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और
शुरुआत में जितने कन्फ्यूजन्स थे, जितनी परेशानियाँ थीं, जितने मिसकंसेप्शंस थे, वो सब पूर हो गए। और अब लगता है कि हाँ, हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, ये हमारा जीवन है, हमें तय करने का हक है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं।